वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसे कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले ह्यूंडई क्रेटा एंड ब्रीजा 2022 फेसलिफ्ट के बीच में। हम इन गाड़ियों के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, सो इस वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर पाओ। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय अ राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के प्राइस के बारे में बात करें, ब्रेजा का प्राइस 9.05 लाख से शुरू होता है एंड वो 15.82 लाख तक जाता है। ऑन द अदर साइड क्रेटा का प्राइस 10.44 लाख तक शुरू होता है एंड वो 18.18 लाख तक जाता है। सो बात कर लेते हैं इन गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। सो क्रेटा में आपको 4300 mm की लेंथ देखने को मिल जाएगी। ऑन द अदर साइड आपको ब्रेजा में 3995 mm की लेंथ देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे विनर है क्रेटा। सो अगर इन दोनों गाड़ियों के विड्थ की बात करें, आपको क्रेटा में 1790 mm की विड्थ देखने को मिल जाएगी एंड वही सेम विड्थ आपको ब्रीजा में भी देखने को मिल जाएगी। हाइट आपको ब्रीजा में 1640 mm की देखने को मिल जाएगी एंड ऑन द अदर साइड आपको क्रेटा में 1635 की। सो यहाँ पे विनर है हमारी ब्रीजा। व्हील बेस आपको ब्रीजा में 2500 mm का देखने को मिल जाएगा एंड आपको क्रेटा में 2610 mm का। क्रेटा में आपको ज़्यादा व्हील बेस देखने को मिल रहा है क्योंकि उसकी लेंथ लंबी है एज कम्पेयर टू ब्रीजा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको ब्रीजा में 198 mm का देखने को मिल जाएगा, ऑन द अदर साइड आपको क्रेटा में 190 mm का। सो यहाँ पे विनर है हमारी ब्रीजा। सो ये कर ली हमने इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की बात। डायमेंशंस लगभग दोनों गाड़ियों की सेम ही है लेंथ को छोड़ के। लेंथ आपको क्रेटा में ज़्यादा देखने को मिलती है, बाकी आपको ब्रीजा में ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट ज़्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू क्रेटा। सो बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के लुक्स की विद कॉमन फीचर्स। सो फ्रंट में दोनों गाड़ियों में आपको फुल LED लाइट देखने को मिल जाएगी विद DRLs एंड अगर मैं बात करूँ फॉग लाइट की, वो आपको क्रेटा में सिंपल देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड आपको ब्रीजा में फुल LED देखने को मिल जाएगी। साइड लुक की बात करें, आपको दोनों गाड़ियों में ब्लैक पिलर्स देखने को मिल जाएंगे एंड अगर बॉडी स्कर्टिंग की बात करूं, वो आपको दोनों गाड़ियों में ब्लैक में देखने को मिलेगी टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ऑफ रोड्स। बाकी आपको ब्रेजा के ORVMs में कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो के बीच में बात करेंगे। अगर दोनों गाड़ियों के रूफ रेल्स की बात करें, आपको ब्रेजा में थोड़े SUV टाइप लुक रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑन द अदर साइड आपको क्रेटा में थोड़े स्लीक देखने को मिलेंगे। बैक लुक में दोनों में आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे विद रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर। एमरजेंसी लाइट की पोजीशन की बात करूँ, वो आपको क्रेटा में डिक्की में देखने को मिलेगी, ऑन द अदर साइड ब्रीजा में स्पॉयलर में है। एंड अगर मैं रिफ्लेक्टर्स की बात करूँ, वो दोनों गाड़ियों के बम्पर में देखने को मिलेंगे, पर फर्क यही है कि आपको बैक लाइट क्रेटा में बम्पर में देखने को मिलेगी एंड आपको ब्रीजा में वो लाइट में इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगी। क्रेटा में आपको फुल पैरानोमिक सनरूफ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, विद शार्क फिन एंटीना एंड ऑन द अदर साइड आपको ब्रीजा में सिंपल सनरूफ देखने को मिलेगा छोटा। टायर्स की बात करें, आपको ब्रीजा में 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, ऑन द अदर साइड आपको क्रेटा में 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको क्रेटा में बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। सो बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ी के इंटीरियर की। ऊपर वाला आपको ब्रीजा का देखने को मिलेगा और नीचे वाला आपको क्रेटा का। सो देखने में मुझे ज़्यादा प्रीमियम क्रेटा का इंटीरियर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी ब्रीजा। इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपको क्रेटा में 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन देखने को मिल रही है, ऑन द अदर साइड आपको ब्रीजा में 9 इंचेस की। सो यहाँ पे विनर है हमारी क्रेटा। पर आपको ब्रीजा में 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाएगा, तभी उसके ORVMs में कैमरा था एंड आपको क्रेटा में ये फीचर मिसिंग देखने को मिलता है। एंड आपको दोनों गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे विद ढेर सारे कनेक्टेड फीचर्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, ऊपर वाला ब्रेजा का है एंड नीचे वाला क्रेटा का है। क्रेटा में जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आपको ज़्यादा डिजिटल देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड ब्रेजा में आपको ओल्ड फैशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। दोनों गाड़ियों में ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर देखने को मिलेगा विद रियर AC वेंट्स। दोनों गाड़ियों में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर जैसा फीचर कॉमन देखने को मिल रहा है। पर ब्रेजा में आपको 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जो आपको क्रेटा में मिसिंग देखने को मिल रहे हैं फीचर्स। एंड आपको क्रेटा में फुल पैरानोमिक सनरूफ एंड ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक सीट देखने को मिलेगी, ये फीचर्स आपको ब्रेजा में मिसिंग देखने को मिलेंगे। सो ये बात करी हमने दोनों गाड़ियों के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की।
एंड हमने इन दोनों गाड़ियों के हर एक चीज को डिटेल में कंपेयर किया। सो अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस की। आपको क्रेटा में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग डीजल, पर आपको ब्रेजा में सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, ओनली 1 इंजन ऑप्शंस। इन इंजन ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आपको क्रेटा में एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा 113 bhp एट द रेट 144 nm ऑफ टॉर्क। दूसरा आपको 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 138 bhp एट द रेट 242 nm ऑफ टॉर्क। तीसरा आपको डीजल इंजन देखने को मिलेगा 1.5 लीटर का जो प्रोड्यूस करेगा 113 bhp एट द रेट 250 nm ऑफ टॉर्क। ऑन द अदर साइड आपको सिर्फ ब्रीजा में सिर्फ एक ही पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 102 bhp एट द रेट 137 nm ऑफ टॉर्क। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन ब्रेजा एंड क्रेटा। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी चीज मेरे से छूट गई हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।